धन्यवाद कस्तूरी और धन्यवाद सिनेमा और के साथियों को। एक तो हमारा ये असूल है कि हमें जब भी किसी सब्जेक्ट के बारे में बोलने को कहा जाता है तो हम उसके 100% किसी दूसरे डायरेक्शन में जाना समझते हैं, बहुत ज़रूरी है, तो वो असूल के हम पालन हैं। मैं दो तीन छोटी छोटी बातें कहना चाहता हूँ। एक तो मैं हाल ही में त्रिशूर से आया हूँ, जहाँ पे एक जिस साल में सिनेमा रिलेशंस गोरखपुर में शुरू हुआ 2004 में, तो उसी साल त्रिशूर में दिव्योर फेस्टिवल चालू हुआ, उसका भी ये 9th एडिशन था। तो कल निकलने से पहले एक छोटा सा हादसा हुआ। हादसा क्या कि कश्मीर के बारे में एक फिल्म थी, ओशन ऑफ टियर्स। ये फिल्म कुनल पोशपुरा में जो लगभग 20 साल पहले बहुत सामूहिक बलात्कार हुआ था उसके बारे में फिल्म थी। बहुत कोई सनसनी फिल्म नहीं थी, कोई बहुत बड़ी राजनीतिक फिल्म भी नहीं थी। उसके निर्माता PSBT थे, जो कि मान लीजिए दूरदर्शन का छोटा भाई हम समझते हैं, और फिल्म के पास सेंसर सर्टिफिकेट भी था। लेकिन शहर के भाजपा वालों ने को जैसे इसका संकेत मिला कि ऐसी फिल्म है, तो उन्होंने एक तो ऐलान कर दिया कि ये फिल्म हम नहीं दिखाने देंगे। और कल 5:30 बजे फिल्म होनी थी, तो 5:30 बजे वो लोग आ गए। पहले गेट पर कुछ देर हल्ला किए, पुलिस थी वहाँ, लेकिन जैसा होता है सांठगांठ रहती है पुलिस के साथ। तो कुछ देर के बाद हॉल में घुस गए, हल्ला वल्ला मचाया, लैपटॉप गिराने की कोशिश की, लेकिन ये बात हुई कि इसकी खबर क्योंकि पहले से दे चुके थे तो शहर के लोग भी आ चुके थे, हॉल भरा हुआ था, तो उनको उठा के बाहर फेंक दिया गया। तो जो रास्ता हम आज जिस के बारे में अलग अलग लोग जिसके अलग अलग अंशों का वर्णन कर रहे हैं, उस रास्ते का एंड में यही एक फायदा है कि उस जगह को, विबग्योर फिल्म फेस्टिवल को, और उस फिल्म फेस्टिवल में कश्मीर के बारे में एक फिल्म दिखाने का जो हक है वो ना तो फिल्म मेकर इंश्योर कर सकते हैं, ना फिल्म एक्टिविस्ट कर सकते हैं, वो तो सिर्फ जनता कर सकती है। जो आपके साथ अगर वो नहीं है तो फिर आप वो फिल्में नहीं दिखा। तो एक तो ये बात थी, और फिल्म दिखाई गई और उससे बिल्कुल तुरंत पहले मेरी फिल्म की स्क्रीनिंग थी, तो हमारे दिन फिल्म दिखाने के टाइम में 3/4 शायद भरा होगा हॉल, लेकिन उस फिल्म के टाइम में तो पूरा हॉल भर गया खचा खच। लोग सिर्फ इसलिए आए कि ये जो ये आने वाले हैं लोग, इनको रोका जाए। तो ये हमारे लिए इसमें एक बहुत अहम मतलब एक मैसेज है कि इस तरह का जब तक रिश्ता नहीं होगा ऑडियंस के साथ, तो हम जो ये रेजिस्टेंस का अगर हम काम समझ रहे हैं तो वो नहीं होगा। दूसरी बात है जो इस फेस्टिवल में ही उठी, और ये वैसे तो मैं संजय के साथ पर्सनली भी बात कर सकता था, लेकिन मैं पब्लिकली बोलना चाहता हूँ कि इसमें भी कुछ है। एक तो त्रिशूर में जो फेस्टिवल है, मैं दो बार जा चुका हूँ वहाँ, उनका रोज मॉर्निंग में 11 से 1 जो सत्र होता है, ऐसे फेस्टिवल तो 6 दिन चलता है, तो उसमें शॉर्ट फिल्म्स वो ऐसी दिखाते हैं जो कि बच्चे भी देख सकते हैं, और उनका आसपास के कई स्कूलों के साथ एक अच्छा रिश्ता बना हुआ है कि रोज एक बिल्कुल डिसिप्लिन्ड कतार में 150 बच्चे लड़कियां आते हैं, और फिल्म की ब्रेक के बीच में 150-200 बच्चे अंदर बैठ जाते हैं, 1 घंटा बैठते हैं और 1 घंटे के बाद उठ के निकल जाते हैं। अब ये वो 7-8 साल से ये काम कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि गोरखपुर में भी ये चालू हुआ है, लेकिन ये जो जो काम जो करना है वो मुझे लगता है कि स्कूल्स को इन्वॉल्व करने का जो काम है ये बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात यह है कि वहाँ कई लोग आए थे जो चर्चा कर रहे थे कि अब सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ बच्चों की के लिए फिल्में जो बनती हैं जैसे बनती रही हैं, लेकिन एक और जॉनर जिसको बोलते हैं डॉक्यूमेंट्रीज फॉर चिल्ड्रन, तो कुछ लोग वहाँ मिले जो इसके बारे में काम भी किए हुए हैं और दिलचस्पी भी है कि इस तरह का काम हो। आई थिंक दैट्स वेरी फैसिनेटिंग। तीसरी बात ये कि इस फिल्म के में जो दो वो हर साल रेट्रोस्पेक्टिव करते हैं, किसी एक फिल्म मेकर को बुला के 3-4 फिल्में दिखाते हैं, तो
तो इत्तेफाक से इस साल उनके रेट्रोस्पेक्टिव जो थे दो फिल्म कार के थे, एक तो है मार्क हार्पर, वो कैनेडियन फिल्म मेकर है, और मैं समझता हूँ कि पिछले 10-12-15 सालों में जो दो सबसे सक्सेसफुल ग्लोबली डॉक्यूमेंट्रीज बनी है वो दोनों मार्क हार्पर की बनी हुई है। एक तो मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट, जो आप लोगों में से कईयों ने देखी होगी, और दूसरी द कॉर्पोरेशन। दोनों बहुत ही सुपर सक्सेसफुल फिल्में हैं और मैं समझता हूँ पॉलिटिकल सिनेमा में उनका एक अच्छा एक पोजीशन है। तो मार्क हार्पर से बात हो रही थी और मैं सिनेमा और रेजिस्टेंस की बात करने लगा और फिर भाषा के बारे में बात हुई, तो खुद ही उन्होंने मुझे कहा कि क्या इसका कोई हिंदी ट्रांसलेशन करना चाहे, क्योंकि मैं आई गिव द फुल लिस्ट एंड यू नो विद द डायलॉग एंड सो। दीपा धनराज से बात हुई, उनने फिल्म बनाई है, उनकी लास्ट फिल्म जो है इनवोकिंग जस्टिस, जो तमिलनाडु में जो मुस्लिम औरतों का जो शरिया का जो इंटरप्रिटेशन है उसके बारे में फिल्म है, बहुत पावरफुल और सक्सेसफुल फिल्म रही है। तो उनने भी ये बात छेड़ी कि मैं फिल्म तो हमारी तमिल में है और इंग्लिश में तो सब टाइटल है ही, लेकिन अगर इसका हिंदी में होता तो हिंदी बेल्ट में जो या जो स्पेशली दोज वर इंटरेस्टिंग इश्यूज टू डू विद इस्लाम एंड रिलीजन एंड द रोल ऑफ विमेन। तो मैं ये दोनों के बारे में ये कहना चाहता हूँ कि दोनों ने ये तो नहीं पूछा कि कुछ खर्चा मिलेगा या कोई हमको कोई रेवेन्यू मिलेगा। पीपल आर विलिंग टू गिव देयर स्टफ। तो क्या हम ये, और ये तो प्रॉब्लम रहती है सिनेमा रेजिस्टेंस के साथ कि फिल्म ऐसी हो जो कि या तो उसमें डायलॉग कम हो या अंग्रेजी पढ़ने में कम हो या हिंदी में हो, तो ये प्रॉब्लम को एड्रेस करना फिल्में बनाना और बाकी सबके साथ ये है कि हाउ डू वी ट्रांसलेट फिल्म, बिकॉज जब तक ये ट्रांसलेशन का कुछ आसान, और अब डिजिटल टेक्नोलॉजी के थ्रू ये हो भी सकता है, पहले तो बहुत डिफिकल्ट था एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना। इसमें एक ये भी ज़रूरी है कि जब आप सिर्फ सबटाइटल बदलते हैं तो दैट इज़ नॉट एन एक्सपेंसिव थिंग, लेकिन जैसा पहले डबिंग वगैरह करते थे वो तो महंगी चीज़ है। तो हमारे को अपने ऑडियंसेस को भी तैयार करना है कि वो पढ़ने को तैयार है, क्योंकि जो फिल्म देखना और सबटाइटल पढ़ने का भी एक कल्चर है। तो शुरू शुरू में लोग थोड़े रेजिस्टेंस होते हैं तो दूसरी, लेकिन उस रेजिस्टेंस को भी हमको ओवरकम करना है कि लोग, क्योंकि जब तक वो नहीं हो पाएगा तो सर्कुलेशन ऑफ फिल्म्स विल नॉट बी पॉसिबल। तो ये जो आपस में जो लैंग्वेज के बैरियर्स हैं इनको कैसे हम ओवरकम करें। लास्टली और ये सबसे जरूरी बात है कि एज अ फिल्म मेकर हम समझते हैं कि अगर, और ये मैं हर मंच पर हर ओकेजन पर यही बात कहता हूँ कि हमारे जो डॉक्यूमेंट्री, खासकर डॉक्यूमेंट्री का जो क्षेत्र है उसमें जो, अगर आज पूरी दुनिया में हम किसी एक चीज़ के बारे में फख्र से ये कह सकते हैं, वो ये नहीं कहेंगे कि हम दुनिया की सबसे बेहतर डॉक्यूमेंट्रीज बनाते हैं, लेकिन ये ज़रूर कहेंगे कि जो हमारा ऑडियंस के साथ रिश्ता है उसका कहीं और पैरेलल नहीं है। ये सच बात है कि केरला में कुछ साथियों से बात कर रहा था और वो आज की बात नहीं है, 20 सालों से जिस तरीके के लोगों ने काम किए हैं, मैं तो सोचता हूँ पहले तो ये सब डॉक्यूमेंट भी होना चाहिए कि किस तरह लोगों ने फिल्में कहाँ कहाँ इस्तेमाल किए हैं फिल्म का, और केरला में जो बहुत अच्छे अच्छे इम्पोर्टेंट इश्यूज रहे हैं, चाहे वो साइलेंट वैली मूवमेंट थी या लाचीमाड़ा में एंटी कोक के खिलाफ जो मूवमेंट था या एंडोसल्फन के खिलाफ जो था या अभी भी जो चल रहे हैं कई मूवमेंट, उसमें फिल्म दिखाना और फिल्म का जो रोल है उसका कितना बड़ा एक रोल रहा है। तो ये हम हिस्ट्री, एक तो हम हर हिस्ट्री को हमें लगता है कि हम बना रहे हैं हिस्ट्री, लेकिन ये हिस्ट्री ऑलरेडी हो भी चुकी है, उसको सिर्फ ये है स्ट्रेंथन। तो और तो ज़्यादा कहने की ज़रूरत भी नहीं है। एक और वाक्य है जो कि मैं हर मौके पर संजय जोशी को थोड़ा एम्बेरस करने के लिए बताता हूँ कि इनके पहले सिनेमा ऑफ रेजिस्टेंस में मैंने अपनी नर्मदा की फिल्म पानी पे लिखा भेजी थी 2 DVD में, तो संजय जी ने उस फेस्टिवल में पहले Part 2 दिखाई थी और फिर Part 1। मुझे लगता है 9 साल के बाद ऐसा होने की कोई उम्मीद नहीं है, और लेकिन ये हमारा ड्यूटी है कि हम इनको याद दिलाएंगे।